हेलो फ्रेंड, मैं हूं कैसर और आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी दुकान का, अपने मकान का, अपनी शॉप का, अपने किसी भी बिजनेस का, वो शॉपिंग मॉल भी हो सकता है, कोई मार्ट भी हो सकता है, किसी किस्म की भी आपकी शॉप हो सकती है, या आप अपने मकान का कम्प्लीट एड्रेस, अपनी फोटोज़, कम्प्लीट एड्रेस और बिजनेस की जितनी भी पिक्चर्स हैं वो दुनिया के नक्शे पे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये चीज़ आज मैं आपको सिखाने जा रहा। तो मैं शुरू करने से पहले मैं आपको इसका बेनिफिट बताता चलूँ कि गूगल मैप्स के ऊपर आप अपने बिजनेस को जब मूव करते हैं, जब आप अपने एड्रेस को, अपने बिजनेस के नेम को, उसकी सारी डिटेल, ओपनिंग, उसके कौन कौन से हार्स हैं और उसकी टाइमिंग क्या है, शॉप की ओपन होने की और क्लोज होने की, किस दिन आपको छुट्टी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, हर चीज़ जब आप गूगल मैप्स के ऊपर डालते हैं अपने, वो आपके मकान का एड्रेस भी हो सकता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मियाँ हाउस, राना हाउस नंबर, ये सारा कुछ डालते हैं, उसका बेनिफिट आपको क्या होता है। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको चंद सेकेंड के अंदर ये पहले बताना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं, कोई बंदा भी गूगल पर सर्च करता है पिज़्ज़ा, इसको लेट्स सपोज सर्च किया, तो ये वाले जो ये देखिए, ये गूगल ने मैप्स पे नक्शे के ऊपर ये जितने भी मेरे करीब करीब पिज्जा सेंटर है ना, वो सारे शो करवा दिए। ये देखिए, ये पिज्जा इतने किलोमीटर दूर है, 2.1 किलोमीटर दूर है, इसकी ओपनिंग टाइम ये है, इसके रेट ये सारा कुछ जो शो करवा रहा है, ये लोगों ने अपने बिजनेस को, अपनी शॉप को, इसके एड्रेसेस को, इसकी फोटोज को दुनिया के नक्शे पे गूगल मैप पे ऐड किया हुआ है, सेव किया हुआ है। तो ये मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैं सच कहता हूँ पिज्ज़ा नियर बाय मी, या मैं कहता हूँ पिज़्ज़ा शॉप, या कोई कहता हूँ कह ले के कोई कार वाश शॉप या गारमेंट शॉप, मैं कोई भी चीज़ को सर्च करता हूँ तो गूगल की ये सर्च जो है इतनी एडवांस हो गई है, वो आपको लोकेशन वाइज जो है वो डेटा प्रोवाइड करती है। तो ये आपके बिजनेस को, आपकी सेल्स को बूस्ट करता है। ये टेक्निक जो है आजकल एडवांस जो लोग हैं वो अब जाके बाजारों के अंदर नहीं घूमते चीज़ें खरीद बाई करने के लिए, वो सर्च करते हैं गूगल पे घर बैठ के। और अगर आपने अपने बिजनेस की, अपनी शॉप की, अपने घर की, किसी भी आपका नोयत का बिजनेस हो सकता है, उसकी एड्रेस को, उसकी कह लेंगे लोकेशन को, उसकी डिटेल को, बिजनेस को गूगल मैप दुनिया के नक्शे पे डाला हुआ है, तो आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली हैं। तो लोग आपके मकान को पिक्चरों के थ्रू, नेम आपके मकान के थ्रू सर्च कर सकते हैं, आप अपने एक दुनिया के नक्शे में इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ ये टू स्टेप के अंदर आप कैसे ये कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप से अगर आप ये चीज़ करना चाह रहे हैं तो आपने जाना है गूगल पे, और इसके बाद मैं मोबाइल पे भी आपको करना बताऊंगा कि मोबाइल से आपने ये कैसे करना है। गूगल सर्च इंजन पे जाके आपने लिखना है गूगल मैप्स, ये गूगल मैप्स पे जाके, ये गूगल मैप्स पे जाना है, maps.google.com ये ऑफिशियल साइट है इनकी, maps.google.com। इस पर जाके ये थ्री लाइन जो लेफ्ट साइड पे ऊपर ये आपको नजर आ रही है ना, इस पर आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है जी, एड मिसिंग अ प्लेस, ये देखिए एड अ मिसिंग प्लेस, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये सेम चीज है कंप्यूटर से भी, मोबाइल से भी। अब मैं आपको मोबाइल से बताता हूँ जनाब, गूगल मैप्स इस पे मैंने जाना है, और इस पे जाने के बाद ये जो फर्स्ट पे साइड है जी, maps.google.com, इसको मैंने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये मैं आ गया इस जगह। तो यहाँ आने के बाद ये वाली जो है ना, ये नया इंटरफेस है गूगल मैप्स का। तो आपने ये जिस जगह लिखा हुआ कंट्रीब्यूट, इसको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये यहाँ से आपने अपने बिजनेस को, तमाम अपने बिजनेस को मैप के ऊपर ऐड करना है। तो आप ऐड प्लेस भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं मैप को, और यहाँ से आप इमेजेस जो है, फोटोज जो है अपने बिजनेस की, अपने घर की, अपने मकान की, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं गूगल मैप पे। तो मैं सबसे पहले ऐड प्लेस पे, इस पे करूँगा क्लिक, और मैं अपने बिजनेस का नेम यहाँ पे कोई भी दूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ करता हूँ जी ऐड, कह लें कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी जो है वो रन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कफलांसर, ये देखिए ये लिखता हूँ, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ कह लेंगे वेब डेवलपमेंट
या वेब डिजाइन, ये लें जी, मैंने बिजनेस नेम लिखा है अपना वेब डिजाइन कंपनी, लिख लेते हैं आगे, ये देखिए। और नीचे कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, रेस्टोरेंट आपका वो करेंगे, स्कूल है, कैफे है, शॉपिंग मॉल है, कोई कोई बार शॉप है, ग्रोसरी स्टोर है, कोई क्लोथिंग स्टोर है, कोई भी आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कोई स्टोर है आपका, हॉस्पिटल है, कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने बिजनेस के हिसाब से आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये कॉर्पोरेट ऑफिस इसमें ये ऐड कर लेता हूँ। और अगर यहाँ पे आपका कह लेंगे जीपीएस जो है वो एड्रेस, आप यहाँ से आप मैनुअली एड्रेस भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये वाला जो आइकॉन है इसको क्लिक करेंगे तो ये गूगल ऑटोमेटिकली आपकी जिस जगह आप बैठे हैं लोकेशन उठा लेगा। मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, ये देखिए मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ इसने गूगल ने मेरा एड्रेस उठा लिया। यहाँ आप क्लिक करें, क्लिक करके आप यहाँ कोई और एड्रेस भी लिख सकते हैं, दे सकते हैं। तो मेरी ये एग्जैक्ट लोकेशन सही इसने उठाई है गूगल ने, तो मैं इसी पे रहूंगा। और अब अगर आप अपने बिजनेस के रिलेटेड फोटोज हैं वो अपलोड करना चाहते हैं, टाइमिंग क्या है आपकी शॉप की ओपन होने की, या वेबसाइट है आपकी कोई, या कोई भी ओपनिंग हार जो मतलब किस टाइम आपका शॉप जो है ओपन होगा, किस टाइम बंद होगा, ये सारी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर मैं इसको करूँ यहाँ से क्लिक, क्लिक करने के बाद आप ये यहाँ पे पूरी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक बिजनेस की ऐड की हुई है, मैं आपको वो शो करवाऊंगा। यहाँ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, तो कोई भी गूगल पे सर्च करेगा आपके बिजनेस के रिलेटेड तो आपका जो है वो आ जाएगा रिजल्ट। यहाँ पे आप ऐड करके फोटोज भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसको करूँगा मैं अलाओ, ये देखिए। तो मैं ऑलरेडी अपने बिजनेस की वेब डेवलपमेंट कंपनी की ऐड की हुई है, वो मैं आपको शो करवाता हूँ। आप कैमरे से भी, आप किसी फोल्डर से भी ऐसे उठा सकते हैं, ये देखिए कोई भी इमेज जो है ना आप उठा सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी ऐड की हुई है, मैं आपको इसको बैक जाके शो करवाता हूँ। इसको लेके जाते हैं बैक, ऐड करने के बाद आपने करना है डन। तो ये यहाँ से अपनी बिजनेस की सारी डिटेल जो है वो आप लिख सकते हैं, ओके हो गया। और ये सारा कुछ करने के बाद आपने यहां से कर देना ओके, डन कर देना। तो मैं जाता हूं बैक, इसको करता हूं मैं डिस्कार्ड, क्योंकि मैं ये ऐड की हुई है, ऑलरेडी ऐड की हुई है, तो वो मैं आपको शो करवाने जा रहा हूं। दोबारा जाते हैं जी ये गूगल पे, ये देखिए दोबारा आए गूगल पे। तो मैं यहां पे सर्च करके दिखाता हूं वेब डिवेलपमेंट या वेब डिजाइन लिख लेते हैं, वेब डिजाइन कंपनी, ये देखिए। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब डिजाइन कंपनी, इसको करते हैं क्लिक। सर्च करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पहली वाली, ये तो ऐड है, इसको हम करते हैं स्क्रॉल अप, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं ये वाला जो है ना, किसी ने भी सर्च किया गूगल पे जाके वेब डिजाइन कंपनी, तो ये पहली जो नजर आ रही है आपको ये मेरी कैलेगेट डेवलपमेंट कंपनी है। ये इसमें मैं अगर आपको क्लिक करके दिखाऊं, ये देखिए इसमें मैं करूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको कंप्लीट शो करवाता हूं कि ये मैं सारा एड्रेस अपना, अपनी फोटो, ये देखिए ये बिजनेस के रिलेटेड जितनी फोटोज हैं, ये कफ लांसर, ये मेरी वेब डिवेलपमेंट कंपनी, ये एड मैं ऑलरेडी सारी की हुई है। तो ये स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट एड्रेस, ये देखिए जो मैं ऐड किया हुआ है, और मेरे जो ओपनिंग हार हैं वो मैं ऐड किए हुए हैं, और ये नीचे सर्विसेज, अपना फ़ोन नंबर, और ये सारी, और यहाँ से मैं और भी इमेजेस जो है वो ऐड कर सकता हूँ। तो ये मैं आपको शो करवाया कि आप अपने कंप्लीट बिजनेस को कैसे गूगल मैप्स पे मूव कर सकते हैं।